नेक्स्ट टॉपिक का जो चैप्टर इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो वो किस तरीके से मूव करता है, इस बारे में हमें पढ़ना है। उसके पहले हम देखें कि एक चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स वी नो दैट एफ इक्वल टू एम ए। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो किसी पॉइंट चार्ज क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ इक्वल टू क्यू ई। तो अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा एम ए इक्वल टू क्यू ई। तो ए इक्वल टू कितना आएगा, क्यू ई अपॉन एम। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्यू ई अपॉन एम। अब हम इसको देखें कि अगर हमारे पास किसी भी टाइम पर पॉइंट चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उस पर लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच जो डायरेक्शन हैं वो क्या हैं, सेम, तो उस पॉइंट चार्ज पर जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स ए इक्वल टू जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। अगर एफ ई और एफ जी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन लगता है वो होता है दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल के, मतलब कि ए इक्वल टू जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। अगर हम बात करें दोनों ही परपेंडिकुलर लगते हैं कि ए और जी, एफ ई और एफ जी क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब जो ए लगता है वो वहाँ लगता है अंडर रूट जी स्क्वेयर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वेयर। हमने क्लास इलेवेंथ में टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई एक पेंडुलम बॉब है या पेंडुलम है तो उसके जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। लेकिन यहाँ जी की जगह हमारा आ जाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको मैंने बता दिया वो कहाँ से, इधर से आएगा। अब हम देखते हैं किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे मूव करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं।